What's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. और guys, आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox के अंदर माफिया टाइकून. और आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों, हम लोग यार माफिया बनेंगे एक टाइकून के अंदर. और guys, उसके लिए हम लोगों को पहले यार अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा. और बिजनेस कैसे सेटअप करेंगे, तो ये देख रहा है चॉपिस को, फोटो भाई कौन है भाई? ये हम लोगों का सीक्रेट आदमी है, ये भिखारी बनने का एक्टिंग कर रहा है. लेकिन मैंने इसको बहुत पहले भेजा था इस दुकान पे नजर रखने के लिए. और guys, ये बहुत ही बड़ा अबैंडन्ड वेयर हाउस है जहाँ पर अपन लोग अपना बिजनेस रन करेंगे. और मिस्टर चॉप, तुम भी जाके वो राइट वाला ले सकते हो, मैंने वो तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाया है मेरे दोस्त. थैंक यू सो मच फॉर टू बाय, आप तो प्रो निकले यार. अरे दोस्त, प्रो की कोई बात नहीं, अंदर में इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया जाए. और ये देखो भाई, क्या झकास है यार ये वेयर हाउस. गाइस, इसमें हम लोग अपना पैसा छापने का मशीन बैठाएंगे. ये देखो भाई, पैसा छापने का मशीन बन भी गया गाइस. और इससे हम लोगों के कड़क कड़क नोट निकलेंगे और हम लोग अमीर बनेंगे. अब गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे अबे नोट कैसे निकलेंगे. वैसे टेंशन मतलब मैं भी यही सोच रहा हूँ, अबे नोट निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे भाई. आई गेस मेरे को और कुछ अनलॉक करना पड़ेगा क्या? तो भाई पैसा कमाओ भाई, पैसा देखो जल्दी कमाओगे तो दुश्मन गैंग वाले हमला कर देंगे भाई. कैसे लड़ाई करेंगे अपन दोनों? हाँ भाई, हम दोनों ना अलग अलग फैमिलिया से बिलोंग करते हैं गाइस, मतलब गैंग की फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं. और अपन दोनों को साथ में मिलकर के एक दूसरे की रक्षा करनी पड़ेगी. और उसके लिए हम लोगों को यार पावरफुल बनना पड़ेगा. और गाइस, ऐसे एरिया तो काफी ज्यादा है, लेकिन फॉर हेवन सेक पैसा कैसे कमाए बे. यहाँ पर गाइस मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, टेबल पे भी सिर्फ नोट रखे पड़े हैं, कुछ सामान भी नहीं खरीदने का है. यहाँ पे तो पैसा कलेक्ट किया जाता है यार, कैसे करूँ भाई मैं? तो भाई क्लिक करो भाई, उसके ऊपर ऑप्शन आओगे भाई. अरे अभी बता रहा है, मैंने ढूंढ लिया भाई रास्ता. अरे यार, स्टार्टिंग में गाइस अपने को क्लिक कर करके पैसे कमाना. और क्या तेजी से नोट गिर रहा है बे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया. गाइस, ये सारे एक डॉलर के नोट है, बट फिर भी भाई नोट नोट होते हैं और इनकी गड्डियां बना बना के गिर रही है अंदर, तो बहुत अच्छा बात है. बाय द वे, ये सारे के सारे फेक नोट है गाइस, बट कोई बात नहीं, हम लोग भाई इन्हीं से अपना काम चलाएंगे. और यहाँ पर गाइस हमारे पास ऑलरेडी 100 डॉलर्स होने वाले है, और इन डॉलर्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे नए नए इक्विपमेंट को खरीदने में. ऑलराइट, लेट्स गो. तो काफी पैसा आ चुका है हमारे पास, और अब क्या खरीदा जाए इन पैसों से, चलो इसको खरीदते हैं. ओके, तो एक और मनी प्रिंटर खरीद लिया, और अब एटलीस्ट ऑटोमेटिकली कुछ पैसा तो आएगा. लेकिन गाइस, आपको तो पता ही है इतना पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं है भाई, कि एक डॉलर वाले यू नो एक प्रिंटर से अपन लोग का काम बन जाए, वो भी इतना धीरे धीरे प्रिंट कर रहा है. तो अपना हाथ यहाँ पर धंधे में शामिल करते हैं और पटापट नोट छापना शुरू करते हैं. और दोस्तों देख रहे हो ये स्पीड, देख रहे हो तुम? ओट भाई यार, मेरे को बनानो फैमिली में इन लोगों ने बुलाया है भाई. बनानो फैमिली भाई, कैसा फैमिली है यार, बनाना नाम है फैमिली में. लेकिन चलो कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारा फैमिली तुम्हारा फैमिली, मेरा फैमिली मेरा. और अपन दोनों को यार जरूरत पड़ेगा तो एक दूसरे के पास आके खोलेंगे मेला. फोटो भाई ये कहाँ का डायलॉग हुआ भाई? अरे ये यहाँ का डायलॉग हुआ, चल अपना काम से मतलब रख और मेरे को यहाँ पे पैसा छापने दे. ऑलराइट, सो गाइस काफी पैसे हो चुके हैं, अब टाइम है अपना $5 का सीरियलाइजर खरीदने का. और इससे क्या होता है ना, सारे नोट जो है वो सीरियलाइज्ड वे में हमारे पास पहुंचेंगे दोस्तों. तो उससे क्या है कि कुछ भी यू नो घसर पचर नहीं होगा, मतलब गेम का लॉजिक ये है, इसको खरीदोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा. ठीक है, तो अपन लोग वही करने वाले हैं, गेम के लॉजिक को फॉलो करेंगे दोस्तों बिना किसी प्रॉब्लम के. और भाई अरे बाप रे बाप, नोटों की सप्लाई देख रहे हो भाई, यहाँ पे जाम लग गया है गाइस, इतने नोट आ रहे हैं. ओ माय गॉड, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, ये सब कुछ हम लोगों ने प्रिंट किया है, वो भी गाइस अभी 5 मिनट भी नहीं हुए गेम को स्टार्ट किए हुए, और ऑलरेडी पैसा पानी के जैसा बह रहा है यार. ओट भाई आराम से यार, वो सारे $1 है भाई. अबे $1 है तो क्या हुआ भाई, पैसा पैसा होता है यार, इज्जत दिया कर पैसे को भाई. इतनी मेहनत कर रहे हम लोग यहाँ पर सबसे पावरफुल फैमिलिया बनाने में, और तुम्हें $1 कम लग रहा है? ठीक है भाई, जब तुम गैंग पे हमला करने जाओगे ना, तो $1 से जब तुम्हारी डील बंद हो जाएगी तब पूछूंगा मैं $1 कम होते हैं या ज्यादा होते हैं. बड़ा आया $1 को छोटा बोलने वाला. फोटो भाई बस भाई बस $1 मेरे से ले लो यार, इतना सुनाने का जरूरत नहीं था फोटो भाई. अरे दोस्त मजाक कर रहा था, चलो तुम तो सीरियस हो गए भाई. ऑलराइट, तो गाइस हम लोगों के पास यहाँ पर काफी सारे पैसे हो चुके हैं, और अब टाइम है एक नया अपग्रेड खरीदने का. और वो अपग्रेड क्या है, अपन लोग एक्सटेंशन करेंगे यहाँ पर. और ये देखो अब डबल डेकर मनी प्रिंटिंग हो रहा है, मतलब दो दो फ्लोर लगा दिए भाई हम लोगों ने मनी प्रिंट करने के लिए. और गाइस ये सारा पैसा हमारे कॉर्लियोन फैमिली में आएगा. हाँ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, बट हमारी फैमिली का नाम है कॉर्लियोन फैमिली, और चॉप की फैमिली का नाम है बोनानो फैमिली. क्योंकि उसकी फैमिली में लोगों को बनाना खाना पसंद है, और हमारी फैमिली में लोगों को कॉर्न खाना पसंद है. कॉर्न बोले तो भुट्टा, समझ रहे हो? भुट्टा यार कितना स्वादिष्ट होता है, क्या ही बताऊं गाइस. और ये देखो एक और अपग्रेड हमारे चरणों के सामने है, इसको भी कर दिया हम लोगों ने. नाउ इट्स टाइम टू वेट, क्योंकि गाइस पैसा ना यार इंतजार करने वालों के हाथ में आता है. ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद एक्शन का मजा लेंगे. ऑलराइट, सो गाइस हम लोगों ने अपने पहले अकाउंटेंट को खरीद लिया है,
इसका नाम है फ्रैंक। और ये क्या करता है ना, सारे के सारे पैसों को यार यू नो मॉनिटर करता है। देख रहे हो यहाँ पर यार पूरा जाम लग जाता है भाई इन पैसों की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, फ्रैंक है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और अब टाइम है गाइस एक और एक्सटेंशन खरीद लेने का, क्योंकि भाई सच बोलू तो यार एक लाइन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इनकम यार सही नहीं है। तो हम लोगों को दो दो चाहिए ना, दोनों फ्लोर से पैसा गिरना चाहिए। अगर यार इस वेयर हाउस में जगह होती ना भाई, तो मैं हर एक छोटे कोने पे मनी फैक्ट्री बैठा देता। लेकिन गाइस आई एम सो सॉरी, अभी हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद कैश आएगा। तब तक के लिए मेरे को यार आपका चाहिए थोड़ा समय, और हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके सो गाइस हाउ इज इट गोइंग। हां आई नो आप लोगों के लिए उतना देर नहीं हुआ, मेरे लिए काफी देर हो गया है। और हम लोगों ने तीन नए नए लोगों को शामिल कर लिया। ये देखो विंसेंजो है गाइस हमारे पास, कपोन है और फ्रैंक है। ये तीनों अब हमारा हाथ बटाते हैं यहाँ पर पैसा मैनेज करने में। कपोन थोड़ा नजर वजर रखता है कि यू नो कापो है ना, वो गोली वोली चलाता है गाइस, फ्रेंच फैमिलीज में ऐसा ही होता है। और देखो भाई कितने नोट आ रहे हैं, अबे रेडी लग गई है भाई नोटों की। समझ भी नहीं आता इतने नोटों का करेंगे क्या अपन लोग, इतने प्रिंटर लगा दिए मैंने भाई, फिर भी पैसा आना चाहिए यार। अभी भी हम लोगों को क्लिक कर करके गाइस पैसा छापना पड़ता है। और तो और हम लोगों ने सीरियलाइजर और थोड़ा अपग्रेड कर दिया, तो अब एक बार में गाइस दो दो नोट निकलते हैं इस मशीन से। मतलब पहले एक निकल रहे थे, लेकिन अब तो बारिश हो रही है भाई। तो गाइस यही एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था। अपन लोग को यार थोड़ा और समय चाहिए। नहीं एक सेकंड, रुको, मेरे पास आई थिंक पैसे हो चुके इतने। अरे नहीं यार अभी भी नहीं हुए, डैम इट मेरे को लगा था हो गए। चलो कोई बात नहीं गाइस, अपन लोग मिलते हैं बाद में। ऑलराइट सो गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं बाहर अपने मिस्टर चॉप से मिलने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा वेयर हाउस भाई फुल्ली एकदम मस्त ऑपरेट कर रहा है ऑटोमेटिकली, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन देखा जाए कि मिस्टर चॉप द बॉस कैसा कर रहे हैं। चॉप कैसा है भाई? भाई बहुत दिन के बाद आए हो, गेट पर रुको दरवाजा खुलवा देता हूँ मैं। अरे दोस्तों उसकी कोई टेंशन नहीं, हम लोग ऐसे ही आ जाएंगे अंदर। ओके तो यार सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा। और अब भाई 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 अरे भाई साहब यहाँ पे तुम्हारे पास भी अच्छा खासा मशीन हो गया बे। फोटो भाई आपको क्या लगा भाई, भाई यहाँ पे हाथ पे हाथ रखे बैठूंगा, आप अमीर बनते जाओगे। अरे दोस्त तुमने तो अच्छा बड़ा खासा मशीन खरीद लिया यार। वैसे ये मशीन मेरे पास भी है, बट स्टिल माई फ्रेंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे। और गाइज आप लोग देख सकते हो चॉप भी यार इतना अमीर हो चुका है कि अब इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है मेरे जैसे। अब हम लोग यार क्लिक व्लिक नहीं करते गाइज, इतना पैसा छपता है कि आप पॉइंटलेस है क्लिक करने का इधर उधर। और आप लोग देख सकते हो ये पैसा आ रहा है, एक दो नोट तो खड़े खड़े होकर के आ रहे। भाई यार अपने नोटों को सीरियलाइज क्या करो चॉप, नहीं तो पता चला आधे नोट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे इधर उधर गिर के। और गाइज ये रहे इसके तीनों के तीनों यू नो पंटर लोग, ये तीनों इसका पैसा मैनेज करते हैं। अबे इनका भी नाम वही है, विंसेंजो, फ्रैंक और कासानोवा, आई मीन ये कपोन। भाई यार ये तीनों तो मेरे यहाँ काम करते हैं। फोटो भाई लोगों ने पार्ट टाइम मेरे यहाँ भी नौकरी किया भाई। अबे लगता है ये दोनों भाई उसके जुड़वा भाई है यार, क्योंकि अपन लोग के यहाँ भी काम कर रहे, तुम्हारे यहाँ भी काम कर रहे। रुको भाई मेरे को चेक करना पड़ेगा, हमारे यहाँ काम तो कर रहे हैं ना गाइज ये। ओ माय गॉड ये क्या हो गया भाई, मेरे सारे एम्प्लॉइज हमें छोड़ करके चॉप के साथ जा रहे। चॉप तूने ज्यादा पैसा दे दिया क्या इन लोगों को? फोटो भाई मेरे बस यार 10 रुपया दिया था हर घंटे का। अरे 10 रुपया भाई, मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ पर घंटे, क्या बात कर रहा है भाई, मेरे साथ तो स्कैम हो गया यार, मैं 100 गुना ज्यादा पैसा क्यों दे रहा हूँ। रुको अभी इनके पैसे काटता हूँ। एक तो पैसा भी ज्यादा लेते हैं, ऊपर से काम भी नहीं करते हैं। ओ ये क्या है, अरे लॉक मिल गया। अरे लॉक करो भाई गेट को यार, ऐसे चॉप भाई अपने सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, अगर ये बंदा मेरे को परेशान करने अपनी आर्मी लेके आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये लॉक होता कैसे है भाई? आई गेस ये एक्स का मतलब ये लॉक हो गया। चलो गाइस आगे चलते हैं, गेट पे ताला लगाना जरूरी है दोस्तों, कौन पता क्या पता कौन घुस जाए घर के अंदर। और ये देखो ये तीनों तो यही पे है, व्हाट द हेल, तो फिर उधर क्या कौन था भाई? पता नहीं कुछ भी होता है गाइस इस दुनिया में। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे मनी प्रिंटिंग फिर से शुरू करते हैं। मैंने बोला था हम लोगों को क्लिक करने की जरूरत, बट स्टिल अपन लोग करना पसंद करते हैं तो अब आदत सी बन गई है, तो मैं यहाँ पे बैठ के क्लिक करता हूँ गाइस। और अपन लोग करते हैं थोड़ा और अपग्रेड। ऑलराइट सो गाइस यहाँ पर जितना पैसा छापने का मशीन था हम लोगों ने सब कुछ अनलॉक कर लिया। अब टाइम है आपको थोड़ा टूर देखने का। तो ये देखो भाई ये है हमारा मिस्टर बॉडीगार्ड एंथनी, ठीक है। ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर पता नहीं क्या ही पढ़ रहा है, लगता है अपनी बर्बादी की खबर पढ़ रहा है। ये है हमारे वीटो भाई साहब, ये सोल्जर है आप देख सकते हो, फुल एकदम चिलैक्स मोड में है। यहाँ पर ताश के पत्ते वगैरह खेले जाते, ठीक है। यहाँ पे पूरा कचरा था हम लोगों ने क्लीन करवा दिया। ये है भाई हमारी डिलीवरी ट्रक्स, इनको हम लोगों ने यूपीएस का नाम दिया हुआ है। यूपीएस एक कंपनी अमेरिका में जो यार डिलीवरी का काम करती है, यू नो प्रोडक्ट्स को इधर से उधर चढ़ाती है। और हम लोग गाइस इसके अंदर अपना मर्चेंडाइज सेल करते हैं। और भाई मर्चेंडाइज में ये टी शर्ट और पैंट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, हमारा मर्चेंडाइज थोड़ा उससे बेटर है गाइज, आप लोग उसके बारे में नहीं जानो तो ज्यादा अच्छा है। वो क्या है ना कि पैसे की बात और बिजनेस की बात लोगों के सामने नहीं की जाती है। और ये देखो भाई ये हमारा सीक्रेट रूम, यहाँ पर अपन लोग सूट वूट का काम करते हैं। और ये देखो ये है हमारा मिस्टर सोल्जर, एक और सोल्जर है वहाँ पे। ओके और ये रहा हमारा चिलिंग एरिया गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा इंटरटेनमेंट का जुगाड़ करना चाहिए भाई। देखो ऐसे लड़के लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करने आए भाई, दिन भर बस बंदूक लेके खड़े रहते हैं, बॉस तो यार हम लोगों को काम नहीं देता। ये देखो हम लोगों ने रिलैक्स एरिया भी बनाया है, सोफा वोफा पे बैठो भाई, मस्त बातचीत करो, यू नो टाइम पास। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक का भी व्यवस्था है, वैसे देख रहे हो हम लोगों ने पेप्सी का यहाँ पे पूरा मशीन ही फिट कर दिया है यार। और गाइस ये कम नहीं था तो हम लोगों ने पैसे की रेडी लगा दी। ये देखो डार्ट्स, डार्ट्स भी खेल सकते हो। बाय द वे इस लॉकर के अंदर बहुत पैसा, ये लॉकर खुला कैसे है?
मिस्टर जियोवानी क्या कर रहे हैं भाई आप है? धीरे धीरे देखो इसका चेहरा देखो भाई, इसके चेहरे पे ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बात हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे यार, तुम पैसा रखो भाई, आप देखो धोखा दे भी रहे हो तो अपन लोग तुमको कभी ना कभी टपका ही देंगे। और ये क्या है गाइस, ये है हमारा वेटिंग एरिया, यहाँ पे जो भी कस्टमर मेरे से मिलने आता है यहाँ पर रुकता है। और ये है हमारे मिस्टर कॉन्सिलियरी, ये हमें एडवाइस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पुलिस से कैसे बचे रहना है। ये भी बहुत ज्यादा अच्छे आदमी है, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। और गाइस यहाँ पर हमारे जो अकाउंटेंट है वो बैठे हो, भाई साहब अभी थोड़ा सुसु करने गए, आएंगे थोड़ी देर में तो मिलवाता हूँ मैं आपको। और आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ है, मोनालिसा खरीदने का ऑप्शन है गाइस, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग तो आपको पता ही है यार कितनी महंगी है भाई, मतलब इतना महंगा बनाया इन लोगों ने, $100 million कहां से लाऊंगा भाई मैं, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो गाइस आई थिंक दैट्स इट यार, हम लोगों के पास ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। और ये देखो ये मनी प्रिंटर एरिया तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, सबसे बड़े बड़े प्रिंटर अनलॉक कर लिए बेसिकली, ज्यादा कुछ है नहीं गाइस। सो आई थिंक दैट विल बी इट फॉर टुडेस वीडियो, इफ यू गाइस एंजॉयड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी पार्ट 2, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।